नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में सारण सीट की, कि 2019 में यहाँ से कौन बनेगा सांसद। यूं तो बिहार की सभी 40 सीटें अहम हैं, लेकिन जिन सीटों पर सबकी नज़र है उनमें सारण सीट भी शामिल है। सारण सीट के हाई प्रोफाइल होने के पीछे दो वजह हैं। पहला, इस सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी का सांसद होना, और दूसरा, यहां से राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के समधि और तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका प्रसाद राय की उम्मीदवारी है। चंद्रिका राय इसी इलाके से आते हैं और उनके परिवार का राजनीतिक वजूद काफ़ी पुराना और विख्यात है। लालू परिवार में बेटी की शादी करने के बाद से ही ये माना जा रहा था कि किसी जमाने में लालू के सीट रहे छपरा से अब उनके समधि या फिर बहू ही पार्टी की दावेदारी को कायम करेंगे, और हुआ भी यही। समधि चंद्रिका राय यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए हैं। जेल में बंद लालू की गैर मौजूदगी में छपरा सीट निकालना राजद के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से राजद की उम्मीदवारी राबड़ी देवी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इसी सीट से लालू प्रसाद अपना पहला चुनाव 1977 में जीतकर सांसद बने थे। इस सीट से लालू ने 2004 और 2009 के चुनाव में भी जीत हासिल किए थे। लालू की इसी परंपरागत सीट से चंद्रिका राय के चुनाव लड़ने से एनडीए के प्रत्याशी के समक्ष थोड़ी मुश्किलें पैदा हो गई है, क्योंकि यादव बहुल्य इस क्षेत्र में कैडर वोट पर राजद का ही कब्जा रहता है। इस इलाके में राजपूत वोटरों की भी संख्या अच्छी है, लेकिन यादवों का वोट जीत और हार के बीच का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आपको बता दें कि सारण लोकसभा सीट पर चुनाव 6 मई को होंगे और नतीजे 23 मई को घोषित किए जाएंगे। यह लोकसभा क्षेत्र संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है। उनका जन्म छपरा के सिताब दियारे गांव में हुआ था। गंगा, गंडक एवं घाघरा नदी से घिरे सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें मधौड़ा, छपड़ा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर शामिल है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में 4 सीटें आरजेडी व 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद सारण लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। पहले यह छपरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र था। राजनीतिक दृष्टि से यह सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सीट को काफ़ी हाई प्रोफाइल माना जाता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 1977 में इसी सीट से पहली बार चुनाव जीता था। सारण लोकसभा सीट को यादव और राजपूत मतदाताओं का गढ़ माना जाता है। चुनावों के दौरान इसका असर भी देखा जाता है। राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ से वर्तमान सांसद हैं। रूढ़ी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इस सीट पर लालू यादव का काफ़ी प्रभाव माना जाता है। लालू यादव इस समय जेल में चारे घोटाले की सजा काट रहे हैं, इसलिए इस सीट पर अगर राजद प्रत्याशी की जीत होती है तो इसका काफ़ी दूरगामी असर माना जाएगा। अगर बात अगर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों की करें तो उसकी बार भाजपा प्रत्याशी का पलड़ा और भारी हो जाता है, क्योंकि पिछली बार जदयू और भाजपा दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। इस बार दोनों ही पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे के आधार पर देखा जाए तो राजद का पलड़ा भारी लगता है, क्योंकि 6 विधानसभा सीटों में 4 पर राजद का कब्जा है। इसके साथ भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का भी असर देखा जा सकता है। ऐसे में चुनाव के नतीजों के बारे में सही जानकारी 23 मई को ही मिल पाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।